गुड मॉर्निंग क्लास, आज एक बार फिर से आपका बीएससी पर वेलकम। और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स की पूरी डेफिनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया था, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आपको बता दिया गया था, और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो ही बताया। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप ये जो लेक्चर आप जब पढ़ाएंगे आप इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो लेक्चर सबसे पहले आप देख कर जा सकते हैं, अगर नहीं देखा तो जाकर आप बी एस सी सर्च मारिए, वहां पर आपको लेक्चर नंबर 1 केमिकल काइनेटिक्स का मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए और देखते हैं। सबसे पहला लॉ, पहला टॉपिक डालते हैं रेट लॉ। रेट लॉ हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। देखिए वीडियो आवाज क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, थोड़ा सा ये ब्लर कर रही है। ओके क्लास, तो जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज हम रेट लॉ में पढ़ेंगे। रेट लॉ की जो डेफिनेशन रहती है वो ये बोलती है कि रेट लॉ हमें बताता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ध्यान सुनना, रेट लॉ हमें बताता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस तरीके से कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझा रही है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? इट इज रेट ऑफ रिएक्शन हमारा होता था कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बट रेट लॉ हमें बताता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, वो हमें बताता है रेट। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये बताता है, इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो भी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर या फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिपेंड करेंगी, किस तरीके से अफेक्ट करेंगी, वो बताता है हमें। तो रेट लॉ में क्या बताता है कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन उसकी रिएक्शन में जो भी स्पीसीज प्रेजेंट है उनके ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है वो बताता है हमें रेट लॉ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए और अगर बात करें तो ये जो डिपेंडेंस होती है, दिस डिपेंडेंस, जो ये रेट, जो ये कंसंट्रेशन हमारी जो होती है, स्पीसीज हमारी जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो डिपेंड करती है वो काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से डिपेंड करती है। बात समझ आ रही है? दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बट हमारे सिलेबस में वो कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंस हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिपेंडेंस को ही पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, जो रेट, जो स्पीसीज होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करेगी वो बताएगा हमें रेट। वो डिपेंडेंस जो होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, बट हमें कौन सी पढ़नी है, सिर्फ सिंपल डिपेंडेंस को ही पढ़ना है। अब ध्यान से सुनो। ओके, जिसमें आपको बता रहा हूं कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्पीशीज के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, जो ये डिपेंडेंस हम खेल समझ रहे हैं कि हाँ भाई रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा है, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा है, जो ये डिपेंडेंस हम समझेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट की जा सकती है। थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, होगा तो कभी देखा जाएगा, अदरवाइज अभी तक तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही इसको समझा गया है, थ्योरेटिकली तो नहीं समझा गया। आपको जो पढ़ाएंगे हम, जो भी हम आपको एग्जांपल देंगे, जितने भी एग्जांपल्स वगैरह मिलेंगे आपको, वो सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हो चुके हैं, तो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो क्या समझाया कि रेट लॉ में क्या बताता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्पीसीज के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है उसे हम बोलते हैं रेट। जो डिपेंडेंस होती है वो हमारी काफी कॉम्प्लेक्स होती है, बट हमें कॉम्प्लेक्स की नहीं पढ़नी है, सिर्फ कौन सी पढ़नी है, सिंपल। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू मापी जा सकती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही कैलकुलेट की जा सकती है। नॉर्मली इसको कैलकुलेट करना काफी मुश्किल रहता है, इसके आगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
एनी डाउट्स है तो पूछ, लिखो इसी पे जाके आगे बढ़ते। ओके क्लास क्लियर है। अरे इसमें एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने आपको रिएक्शन लिख दिया ए प्लस टू सी हमें कोई प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है, यहाँ तक कोई डाउट? ये क्या वीडियो साफ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल। ए प्लस टू सी, टू सी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कोई समझ लीजिए आप लोग। ए प्लस टू सी हमें कोई प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि अगर मान लो मैं सी को कॉन्स्टेंट कर दूं, क्या कर दूं मैं सी को कॉन्स्टेंट, क्या वीडियो साफ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, जरा देखें आप प्रॉब्लम क्या है, कोई बात नहीं। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ कि अगर मैं सी को कर दूं कांस्टेंट, सी की कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दिया कांस्टेंट, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब मैं ए की कंसंट्रेशन डबल करता हूं, क्या करता हूं मैं डबल, जब मैं ए की कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 4 times इंक्रीज होता है। समझ में आया? अगर मैं ए की कंसंट्रेशन कर देता हूं डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या इंक्रीज होता है 4 times, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए की कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, साथ में इसके स्क्वायर के साथ में, क्योंकि अगर ए डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 4 times। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, अगर हम सी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दें तो ए की कंसंट्रेशन डबल करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है 4 times। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन कर दूं कांस्टेंट, ए की कंसंट्रेशन क्या कर दूं कांस्टेंट, तो सी की कंसंट्रेशन डबल करने के साथ साथ जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी हमारा हो जाता है डबल। अगर हम सी की कंसंट्रेशन कर दें डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है डबल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और सी हमारे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इस तरीके से सी डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया डबल, ए डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 4 times, यानी ये इसके क्या है 4 times प्रोपोर्शनल है। तो कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, इन दोनों को कंबाइन करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो मेरा निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा ए स्क्वायर सी की पावर 5, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से निकलेगा कि ए की कंसंट्रेशन साथ स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है और सी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगी, इस तरीके से इसको लिखेंगे ए का स्क्वायर और सी की पावर 1, जो ये के है इसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे सामने आया कि भाई जब हम ए की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 times होता है, अगर हम सी की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, लिखो इसे फटाफट। ओके, एक बार एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था गोल्डबर्ग एंड वेजी लॉ ऑफ मास एक्शन, इन्होंने लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन दिया था। तो इनका क्या कहना था, जो हमने भी एक्सपेरिमेंट करा, जो हमने तो दिमाग लगाया कि भाई ए की डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 times इंक्रीज हो रहा है, अगर बी की डबल सी की डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डबल ही हो रहा है। उन्होंने क्या बोला, मान लो मेरे पास रिएक्शन क्या लिखी है ए प्लस टू सी जो हमें क्या दे रहा है प्रोडक्ट, ए प्लस टू सी हमें क्या दे रहा है प्रोडक्ट दे रहा है। तो इन्होंने बोला आप ऐसा कुछ मत कीजिए, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। इन्होंने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन, इन्होंने बोला आप ऐसा कुछ मत कीजिए, सिंपल जो ये लिखा हुआ है इसी को ले लीजिए और रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका आएगा, जो भी स्पीसीज आपके पास है, मान लो मेरे पास यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या पाया क्या है सी, तो पहले आप ए लिख दीजिए और लिख दीजिए सी, सिंपल मल्टीप्लाई में, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी चाहे डी कुछ भी हो, आप उनको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए पहला स्टेप। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई ए का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो जितना इसका कोफिशिएंट है उतनी इसकी पावर होगी, क्लियर है? इन्होंने बोला जितना इसका कोफिशिएंट है उतनी इसकी क्या होगी पावर, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो डिपेंडेंस है वो कुछ ऐसी निकलेगी ए की पावर 1 सी की पावर स्क्वायर। लेकिन अभी तो हमने कुछ और निकाला, अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला वो क्या निकला हमारा,
के ए का स्क्वायर और सी की पावर ये निकला था हमारा, दोनों तो अलग अलग आ रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता कि एक ही रिएक्शन में एक ही रेट ऑफ रिएक्शन दो पॉसिबल दिखाए, ये पॉसिबल नहीं होता कि कभी तो ए के प्रोपोर्शन लाएगा और कभी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शन लाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो गोल्डबर्ग साहब ने कहीं कहीं तो फिट बैठा, कहीं कहीं तो फिट बैठा, लेकिन हर जगह फिट नहीं बैठा, इसलिए इसको गलत माना। तो ये कहीं कहीं तो फिट बैठा लेकिन कहीं कहीं फिट नहीं बैठा। तो वो क्या बताता है, रेट लॉ हमारा क्या होता है, रेट लॉ हमें बताता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस तरीके से कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम बोलते हैं रेट लॉ। कि हाँ भाई ए स्क्वायर की है या ए क्यूब की है, सी के स्क्वायर की है, सी वन की पावर की, इस तरीके से जो बताया उसे हम बोलते हैं रेट लॉ। और ये के हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट कॉन्स्टेंट, लिखेंगे से आता फटाफट। ओके, तो अगर हम ओवरऑल बात करें, तो एक मैंने अलग से आपको रिएक्शन लेकर दी कि 2a प्लस बी हमें क्या दे रहा है, चलो वही ले लेते हैं हम लोग, दिक्कत वाली बात, ए प्लस 2c हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट मैंने मान। तो एक ओवरऑल अगर बात करें तो ऐसा निकल कर आया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकल कर आया कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के ऊपर प्रोपोर्शनल हो सकता है, ए के ऊपर किसी भी तरीके से प्रोपोर्शनल हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। अब वो पावर कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3 कुछ फिक्स नहीं, भाई यहाँ पर 2 है तो 2 ही आएगा, वरना तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो पावर फिक्स ना होने के कारण हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स। एक्सपेरिमेंट जो है कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के ऊपर प्रोपोर्शनल हो सकता है मानते हैं, बट अलग अलग रिएक्शन के लिए, अलग अलग रिएक्शन के लिए डिपेंडेंस भी क्या होगी, अलग अलग, तो पावर भी क्या होगी, अलग अलग, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया एक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा है वो सी के प्रोपोर्शनल हो सकता है और पावर कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 ही आएगा, यहाँ 1 है तो 1 ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो पावर अलग होने में लिख दिया, और जब इधर कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ए की पावर एक्स, सी की पावर ये हटेगा, एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी जिसे हम बोलते हैं ए एक्स, और सी हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, सी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी, आर हमारा क्या जानते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, के हम जानते हैं रेट कॉन्स्टेंट, एक्स और वाई नई चीज है, जो हमारा एक्स है समझ लेते हैं, एक्स इज द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो हमारा एक्स है वो क्या, वीडियो साफ है, बिल्कुल बिल्कुल साफ है, एक्स हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर हम इसे एक और चीज बोल सकते हैं, बढ़िया लिखा हुआ किताबों में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और जो वाई रहेगा वो रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, क्लियर हुआ, एक्स हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, और ये ऑर्डर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, चारों पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इसको अभी समझ लो, हम इसको एन के बराबर बोलेंगे, इसके बराबर बोलेंगे एन के, क्लियर हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकला, के ए एक्स बी सी और वाई, इसको ध्यान समझे, ये आपका रेट लॉ की एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट बोलते हैं जिसे, दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ, के ए की पावर एक्स, सी की पावर, कोई दिक्कत आता मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्लियर। आगे समझते, मान लो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 1, एक स्पेशल केस में मैंने क्या माना, अगर मैंने एक स्पेशल केस में क्या माना कि ए की कंसंट्रेशन को सी के बराबर माना और जिन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है 1, तो अगर 1 है तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी इज आल्सो 1 तो देन ए की जगह पर क्या आएगा 1, सी की जगह पर क्या आएगा 1, 1 की कुछ भी पावर होगी, एक्स का मतलब क्या है पावर, मान लो 1 2 कुछ भी पावर होगी, घुमा फिरा के तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही तो आता है, 1 की पावर x, 1 की पावर y, क्या आएगा सिर्फ टोटल यहाँ पर 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा है वो किसी बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेशन दोनों स्पीशीज क्या मान के चलूं, यूनिटी यानी 1,
तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा? रेट कांस्टेंट के बराबर आएगा। कोई डाउट एनी प्रो समझ में आया? नोट करें इस बात का, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल कर आया कि ए एक्स सी वाई। अगर मैं के की यूनिट के बारे में बात करूं तो कैसे निकालेंगे? यहां से मैं क्या, मैं के को रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ए की पावर एक्स और बी की सी की पावर वाई बोल सकता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड, ये होती है यूनिट। ए, ए का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। पावर क्या है? एक्स सी मोल, ये भी कंसंट्रेशन पर लीटर की। पावर क्या है? वाई। तो एक बार बताइए यहां से मैं मोल पर लीटर पर सेकंड, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए एम इंटू एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या है? अलग अलग। तो पावर क्या हो जाएगी? एड मोल पर लीटर एक्स प्लस वाई। क्लियर है? और अभी आप लोगों को बताया है कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर एक्स प्लस वाई को किसके बराबर मानते हैं हम लोग? एन के बराबर। अभी बताया मैंने आपको एक्स प्लस वाई किसके बराबर मानेंगे? एन के बराबर। तो यहां से मैं इसकी पावर कितनी है? देखो दोनों का बेस सेम है लेकिन दोनों की वैल्यू किसमें है? डिवाइड में। बेस सेम है, पावर क्या है? अलग अलग। पावर क्या हो जाएगी? माइनस, यानी मोल पर लीटर वन माइनस एन पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ। क्या रहती है के की यूनिट? मोल पर लीटर वन माइनस एन पर सेकेंड। नोट करेंगे से यहां तक। ओके क्लास, तब क्या बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हुआ? अब रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रही है वो हमें किससे पता चलेगा? रेट लॉ से पता चलेगा। और रेट लॉ की पूरी आपको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिखकर दिखाया है, आप सुनिए ध्यान से। जो के की यूनिट है, यूनिट्स ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ यूनिट। ध्यान सुनेंगे, जो के की यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका ऑर्डर चेंज होगा तो के की यूनिट भी चेंज होगा। फर्स्ट ऑर्डर में अलग यूनिट होती है, सेकंड में अलग, जीरो में अलग, थ्री में अलग। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड तक ही पढ़ने हैं, जीरो फर्स्ट टू, सेकंड ही बहुत कम यूज होगा आपका, जीरो और वन में ही काम बन जाएगा इस पूरे चैप्टर। टोटल तीन चार होते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर, हमें सिर्फ कितने पढ़ने हैं? सेकंड तक ही पढ़ना है। ध्यान सुनेंगे, यहां पर लिखिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज यूनिट्स ऑफ के, किस तरीके से यूनिट बदलेगी। ध्यान से सुनिए, मान लो अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर मेरे पास क्या है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मेरी जो के की यूनिट रहेगी दिस विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मेरी यूनिट होगी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या हो गई? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो के की यूनिट मेरी हो जाएगी पर सेकेंड। क्या हो जाएगी? पर सेकेंड। क्या वीडियो साफ है? बिल्कुल बिल्कुल साफ है। और अगर मेरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है मेरे पास? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जो मेरी के की यूनिट रहेगी दिस विल बी मोल पर लीटर माइनस वन पर सेकेंड। क्या रहेगी? मोल पर लीटर माइनस वन पर सेकेंड। हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आगे हमारा काम बन जाएगा। क्या बात आया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होने के साथ के की यूनिट भी क्या हो जाती है? चेंज। जीरो में मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट में पर सेकंड, सेकंड में मोल पर लीटर माइनस वन की पावर सर एस माइनस। कोई डाउट आता है? एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन, लिखेंगे ऐसे फटाफट। ओके क्लास, एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा कि मान लो इफ, इफ एक क्वेश्चन छोटा सा ये है, इफ k की वैल्यू आपको दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 लीटर स्क्वायर पर मोल की पावर माइनस 2 s माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। इफ k इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 4 लीटर स्क्वायर पर मोल माइनस 2 s की पावर माइनस 1, तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए अभी ट्राई तुरंत। हो गया चलिए। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जब हम अगर नॉर्मल सी कंट्री नॉर्मल सी रेट लॉ के एक्सप्रेशन की बात करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको आपको हमेशा कंपेयर करना है जो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट लॉ में जो हमारी के की यूनिट निकली थी। के की यूनिट रेट लॉ में क्या निकली थी? मोल पर लीटर 1 - m पर सेकेंड। ये क्या निकली थी हमारी? एक नॉर्मल एक रेट लॉ में एक्सप्रेशन निकली थी। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे ले सकता हूं मोल की एल, देखो मोल माइनस टू, एल जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन, और माइनस वन इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा प्लस टू, और पर सेकंड तो थ्री। क्लियर हुआ? इसको हम ऐसे कंपेयर करेंगे पर सेकंड कैंसिल। देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम, यानी 1 - m = -2, 1 + 2 = n की वैल्यू 3, यानी कौन सा ऑर्डर है ये? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर। क्लियर हुआ? लिखो इसे। ओके क्लियर। तो अभी जो आपको बोल्ड रॉक एंड गोल्डबर्ग एंड वेज लॉ ऑफ मास एक्शन ये आपको पढ़ाया गया था, तो बताया था कि ये जो लॉ है कुछ कुछ रिएक्शन के ऊपर तो अप्लाई होता है बट सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ध्यान से समझना कि जो ये हमारा लॉ होता है ये सिंपल स्टेप ऑफ रिएक्शन में अप्लाई होता है। This reaction is applicable on simple step of reaction. Simple step of reaction वाली क्या होती है कि ऐसी reactions जो एक single elementary step में ही खत्म हो जाए, जिनको आगे बढ़ाना कोई फायदे वाली बात नहीं। मतलब simple step of reaction का मतलब ये होता है कि एक ऐसी reaction जो एक ही step के बाद end हो जाए, उसे हम बोलते हैं simple step of reaction. Example के तौर पर जैसे मान लो मैंने आपको लिखा दिया कि 2x + 3y हमें देता है 4z. अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग एंड वेज लॉ क्या बोलेगा कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिस विल बी इक्वल टू जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी 2 और जो वाई का कोफिशिएंट है यानी 3। इस तरीके से डिपेंड होगा। अगर दूसरे की बात करें तो हम देखेंगे जैसे मैंने आपको लिख दिया H2 + I2 हमें देता है 2HI, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इस तरीके से डिपेंड होगा। और ये सही निकला भाषण मार लिए, ये सही भी निकला। और अगर हम देखें एक और आपको दिक्कत दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ H2 + Cl2 हमें क्या देगा 2i of HCl, यानी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा H2 की कंसंट्रेशन 1 है और Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी है 1, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस तरीके से डिपेंड करना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग। यहां पर ट्रू हुआ, यहां पर भी ट्रू हुआ, लेकिन यहां पर आके जो ये लॉ है वो हमारा क्या हो गया फेल। और जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया तो इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0 के ऊपर डिपेंड है, किसी कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। इस रिएक्शन में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है, इस ओनली डिपेंड ऑन कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। आसन मारिए, तो हमारा जो गोल्डबर्ग एंड वेज लॉ कहीं कहीं तो अप्लाई होता है बट कहीं कहीं अपना हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो आप लोगों की जो ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्टेप ऑफ रिएक्शन में ही अप्लाई होता है, आगे अप्लाई नहीं होता। लिखिए वैसे पढ़ा।